नमस्कार, आप देखें राजधानी समाचार और विदिशा जिले की जो शमशाबाद विधानसभा सीट है बहुत चर्चाओं में थी, वो हॉट सीट थी, क्योंकि एक तरफ पूर्व मंत्री और दूसरी तरफ भंवर बना थे कांग्रेस प्रत्याशी। भंवर बना कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं मतगणना की जानकारी लेने। कांग्रेस कार्यालय में बैठा के भाई साहब, चुनाव में बहुत भागा दौड़ी रही, क्या लग रहा है इस बार? बहुत मेहनत तो बहुत की आपने। नहीं, मेहनत भी की है, जनता का प्यार भी मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अच्छे से चुनाव जीत रहे हैं जी। क्या आज कांग्रेस कार्यालय में बैठक है मतगणना को लेकर, क्या जानकारी विशेष रूप से दी जाएगी? आज प्रशिक्षण शिविर है जिससे कोई कमी रहती है, मतगणना किस तरह से कराई जाए, लोगों को किस तरह से बैठाया जाए, तो मेरे कुछ सहयोग भी आए हैं, सहयोगी हैं जो ये चीज़ को ढंग से सीखेंगे और समझाएंगे अभिकर्ताओं को जो बैठेंगे उनको। जनता के बीच आप गए, बहुत सारे मुद्दे लेके गए, लाडली बहना को लेके गए, नारी सम्मान योजना भी थी, महिलाओं का जो वोट है, क्योंकि महिलाओं का वोट इस बार भाजपा करी कि पूरा भाजपा जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि लाडली बहना के पैसे दिए। वोट देखिए डाइवर्ट तो हुआ है, कुछ वोट लाडली बहना के पक्ष में भी जाएगा, कुछ नारी सम्मान का जो पढ़े लिखे लोग हैं और जो समझते हैं, जो भरोसा करते हैं, उन्होंने कोशिश की है कि नारी सम्मान के जो फॉर्म भरे गए हैं उस हिसाब से महिलाओं का, हमारी लाडली बहनों का वोट कांग्रेस को जाए, तो कोशिश तो है। आगे आप लोग देखेंगे क्या होने वाला है। युवाओं और किसान का वोट ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान का क्षेत्र माना जाता है शमशाबाद, किसान ज़्यादा हुआ, वो तो कर्जा माफ़ी का जो मुद्दा था 2018 में, उस आधार पर भी आप वोट मांगने गए होंगे कैसे बीच में? नहीं, यहाँ पे कर्जा माफ़ी भी एक मुद्दा रहा है और हमारे यहाँ नहर भी एक मुद्दा है, हमारे यहाँ जो 5 हॉर्स पावर की मोटर फ्री की जा रही है वो मुद्दा है, हमारे यहाँ पर जो बिजली फ्री की गई है वो मुद्दा है, तो काफ़ी सारा, क्योंकि मेरा ग्रामीण विधानसभा है तो वहाँ पर ये मुद्दे प्रभावी हैं और कांग्रेस की घोषणाएं हैं ये अच्छा असर कर रही हैं। कई जगह देखा जाए तो आज भी बिजली की समस्या, पानी की समस्या शमशाबाद जैसे शहर में है, ग्रामीणों में। विदिशा लोकसभा बड़ी सीट रही है, वह बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, तो वहाँ हाँ बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो आपने ठीक कहा। मैं थोड़ा सा भीड़ की वजह से स्पष्ट आपका सुनने चाहे था, पानी की और बिजली की समस्या आज भी है क्षेत्र में, आपके कई गांव में, ग्रामीण में गया शमशाबाद में, वो बड़े बड़े नेता हैं विदिशा में, सीएम साहब भी रहे वहाँ से, तो क्या कैसे? हाँ नहीं, हमारे यहाँ क्या है कि प्रॉपर ये लोग देख नहीं पाए, हमारे यहाँ कई जगह डीपी नहीं है, कई जगह खंभे नहीं है और कई जगह डीपी रखने में इनको बहुत कोताही होती है, कई जगह लाइट के जो जिस ढंग से पहुंचना चाहिए थे उस ढंग से लाइट नहीं दे पा रहे हैं, तो ये सब परेशानियां तो हैं। मुख्यमंत्री रहे और हमारे यहाँ मंत्री भी रहे दो दो तीन तीन, उसके बाद भी ये लोग इतने अरसे तक इसको सुचारू नहीं कर पाए, तो ये दुख तो है हमें। मंत्री जी आपके सामने थे, पूर्व मंत्री, और क्या विकास के मुद्दे लेके गए, उनमें विकास के मुद्दों पर ही वोट मांगा होगा? अब उन्होंने जो विकास किया है 10 वर्षों में उसके हिसाब से उनको जनता अपना मत देगी, अब ये फैसला जनता के हाथ में है। क्या लग रहा है मतगणना होने वाली है? बहुत जोश उत्साह दिख रहा है आपके चेहरे पर। नहीं, मतगणना होने वाली है और जो मेहनत करता है तो उसे अपना परिणाम मालूम होता है, मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है और मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप सबने मुझे साथ दिया, और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप समय समय पर आए और आपने हम लोगों का इंटरव्यू दिया और साथ दिया। सवाल है, जनता जाना चाहती, कई नेता चुनाव में थक जाते, आराम करते, घूमने निकल जाते, आप एक जगह भी देखा, चाय बना रहे थे दुकान पर? मैं चाय भी बना रहा था, मैं कभी और कभी कुछ और भी करता रहता हूँ, तो ये मेरी खुशी है और मैं जनता की खुशी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता हूँ, तो वो भी खुश होते हैं, मैं भी खुश रहता हूँ, एक विषय मिल जाता है खुश रहने का, बस यही है। चाय बनाने का भाई साहब बड़ा अलग ही बात है, एक चाय बनाने वाले प्रधानमंत्री भी है देश के। मैं कोशिश कर रहा था कि उनकी नकल कर पाए, हो सकता है कुछ बन जाऊँ। तो भंवर बना हमारे साथ थे, बड़े एक्टिव हैं, वो आज बड़ी फुर्ती में दिख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं शमशाबाद विधानसभा से, मेहनत भी कर रहे हैं, अब देखना होगा परिणाम क्या आता है। जुड़े हमारे साथ, न्यूज़ की रिपोर्ट, कांग्रेस कार्यालय भोपाल।